अमरपुर थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव के समीप स्थित कुंडा बांध के पास दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक चालक जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रानीकिता चकसिया गांव निवासी राजीव कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर अमरपुर आया था, जहां से वापसी के क्रम में कुंडा बांध के समीप सामने से तीव्र गति से आ रही बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर धक्का मार दिया। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी को उपचार के लिए अमरपुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर राय बहादुर के द्वारा जख्मी युवक का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। में युवक का उपचार कर रहे डॉक्टर ने बताया कि घटना में युवक के सिर पर गहरी चोट आई है, जिसका अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। बाइक वाला नहीं पकड़ा है। क्या नाम है इनका? राजीव। कहाँ घर है? रानी की चकसिया। आपका क्या नाम है? छोटू। जिला पदाधिकारी बांका की अध्यक्षता में जिला बाल परिवहन समिति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार बांका में आहूत की गई। बैठक सभी प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक, जिला परिवहन पदाधिकारी बांका, जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका, नगर परिषद के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार बांका, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, मुख्य DSP बांका एवं अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बांका उपस्थित थे। सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी स्कूल के प्रधानाचार्य का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जिला में पहली बार जिला बाल परिवहन समिति की बैठक आयोजित हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की घर से विद्यालय तक एवं वापस घर तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। परिवहन व्यवस्था के जो भी मानक है उसका अक्षरशः पालन किया जाना है। साथ ही परिवहन के चालक को भली भांति जांच कर रखा जाना है। इसके अलावा जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि तीन तरह के वाहन रखे जा सकते हैं। नंबर एक, स्कूल प्रबंधक या उसके प्रधानाचार्य, निर्देशक या स्कूल के किसी अन्य पदाधिकारी के नाम पर विधिवत पंजीकृत सभी प्रकार के वाहन, या नंबर दो, विद्यालय में छात्र छात्राओं के परिवहन हेतु निजी ऑपरेटर एवं विद्यालय प्रबंधक के बीच समझौता के तहत किराया अथवा लीज पर संचालित स्कूल वाहन। नंबर तीन, अन्य सभी श्रेणी के विद्यमान वाहन जो स्कूली बच्चों को विद्यालय अथवा अभिभावक की सहमति से किसी विद्यालय के छात्र छात्राओं का नियमित रूप से परिवहन कर रहे हो। इसके अलावा विद्यालय वाहनों के लिए जो मानक तय किए गए हैं वो बसों या अन्य वाहनों की बॉडी सुनहरे पीले रंग की होगी। यह रंग IS 5/1994 के अनुरूप होगा। विद्यालय के पहचान के लिए बस के बॉडी पर खिड़की के अस्तर के नीचे सभी और न्यूनतम 150 मिलीमीटर चौड़ा सुनहरा भूरा रंग का एक बैंड पेंट कर उस पर स्पष्ट अक्षरों में विद्यालय का नाम लिखा जाना अनिवार्य होगा। यदि विद्यालय द्वारा बस या अन्य किसी वाहन ऑपरेटर से लीज अथवा किराए पर लिया गया है तो बस के पीछे और सामने स्पष्ट रूप से ऑन स्कूल ड्यूटी प्रदर्शित करना होगा। स्कूल वाहनों में विनिर्दिष्ट मानक का गति नियंत्रित उपकरण लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सभी वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखा अनिवार्य होगा। वाहन में अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा। शारीरिक रूप से असमर्थ छात्रों के लिए स्कूल बस या अन्य वाहन जैसी सुविधाएं होना अनिवार्य होगा। जिला पदाधिकारी द्वारा स्कूल के प्रबंधकों से अपनी बात कहने का समय दिया गया, जिसमें एक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में 2 साल स्कूल बंद होने की स्थिति में संचालकों की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई है। जिला प्रशासन इसके लिए थोड़ा समय दिया जाए। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला परिवहन समिति की बैठक प्रमंडल स्तर पर हो चुकी है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि 30 जून 2022 तक परिवहन के गाइडलाइन का अनुसरण पालन सुनिश्चित करेंगे। जिला बाल परिवहन समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी बांका द्वारा सभी स्कूलों के प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आपके कहने पर यह गाइडलाइन 15 जुलाई तक बढ़ाया जाता है। आप लोग 15 जुलाई तक गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था कर ले। इसके बाद जिले में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस चेकिंग अभियान में जो भी कमियां पाई जाएगी उस पर कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में सभी स्कूल, खासकर जो बड़े स्कूल हैं, वे छोटे बड़े स्कूलों को मिलाकर एक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन करें। इसमें छात्रों में स्वास्थ्य के तौर पर एवं मानसिक मजबूती के तौर पर उनका विकास होगा। इसके अलावा स्कूल में बच्चों का हेल्थ चेकअप भी करवाएं। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों को DPM स्वास्थ्य के संपर्क के लिए उनका मोबाइल नंबर भी लिखवाया गया। इसके अलावा
14 से 18 वर्ष के बच्चे में वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा स्कूल प्रबंधक जिला से अपने स्कूल में पदाधिकारियों को बुला सकते हैं। सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए, उनके द्वारा स्कूल में अच्छी जानकारी दी जा सकेगी, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके। प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड। बांका जिला समुखिया स्थित पुलिस लाइन में 283 प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर के विवेकानंद ने भाग लिया। पारण परेड में कुल 4 प्लाटून बनाया गया है, जिसका निरीक्षक भी पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के विवेकानंद एवं बांका के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने किया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने सभी प्रशिक्षु सिपाहियों का देश और राज्य के प्रति निस्वार्थ भावना से सेवा करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक सह प्राचार्य डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा पुलिस केंद्र के पुलिस प्रांगण में आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि 283 प्रशिक्षण सिपाही विगत 10 अगस्त से ही विधिवत पुलिस केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इस पुलिस केंद्र में बेगूसराय जिला बल के 92, रेलवे पटना के 81, सुपौल जिला बल के 69 एवं सहरसा जिला बल के 41 नए सिपाहियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कि मैं भारत के संविधान एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपनी निष्ठा रखूंगा और भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ रखने के लिए कार्य करूंगा। मैं शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव एवं भाईचारे को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं संविधान तथा तत्समय प्रवृत्त सभी कानूनों एवं विधानों के अनुपालन हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध रखूंगा तथा अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैधानिक निर्देशों का पालन करूंगा। मैं सरकार द्वारा निर्मित किसी भी स्थान पर स्वेच्छा एवं हर्ष पूर्वक सेवा प्रदान करूंगा। मैं सभी नियमों एवं विधानों का अनुपालन एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन से बिना किसी भय, लोभ अथवा पक्षपात के करूंगा। जय हिंद। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज दिनांक 30 जून 2022 को सभी प्रखंड परिसर में UDID कार्ड निर्माण हेतु कैंप का आयोजन किया गया। सभी आंगनवाड़ी वर्कर, सहायिका, महिला प्रवेक्षिका अपने अपने वार्ड के दिव्यांग लोगों को आधार कार्ड बनवाने हेतु जागरूक करना एवं आधार कार्ड कैंप तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। अमरपुर नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा बुधवार को स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जागरूकता रैली निकाल कर आम लोगों को प्लास्टिक से बने सामान के उपयोग से बचने के लिए जागरूक किया। स्वच्छता पखवाड़ा रैली को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता ने कार्यपालक परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता रैली नगर पंचायत के कर्मी दीपक कुमार के नेतृत्व में कार्यालय परिसर से निकलकर प्रखंड कार्यालय परिसर, बंगाली टोला, गोला चौक, बस स्टैंड, पुराना चौक होते हुए पुनः नगर पंचायत कार्यालय परिसर पहुंची। जागरूकता रैली में शामिल कर्मियों ने आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल से बने वस्तु, प्लास्टिक कैरी बैग समेत अन्य सामान का उपयोग नहीं करने की अपील की। मौके पर नगर पंचायत के कर्मी दीपक कुमार, राजीव पाठक, टैक्स दारोगा दीपक कुमार आदि ने बताया कि अगर 1 जुलाई से आम लोग प्लास्टिक से बने वस्तुओं का उपयोग करते हुए पाए गए तो वैसे लोगों के खिलाफ जुर्माना राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही वैसे लोगों को चिन्हित करते हुए एक पखवाड़ा तक की जेल की हवा खिलाई जाएगी। इस अवसर पर नगर पंचायत के JE दीपक कुमार, कर्मी राजीव पाठक, आकाश चक्रवर्ती, सुमन कुमार, टैक्स दारोगा दीपक कुमार, सफाई संवेदक रामचंद्र शर्मा, निरंजन कुमार समेत स्वयं सहायता समूह के सदस्यगण व जीविका दीदी उपस्थित थे।
अमरपुर प्रखंड में आवास योजना में रिश्वत की मांग को लेकर क्षेत्र के विभिन्न संवाददाताओं ने अपने अखबार में प्रमुखता से उजागर किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अमरपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्रद्धा बुधवार को वार्ड नंबर 14 महम्मदपुर गांव पहुंचकर पीड़ित लाभुकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त। विदित हो कि वार्ड नंबर 14 महम्मदपुर गांव निवासी भूदेव शाह ने बांका जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार को लिखित आवेदन देकर वार्ड के पार्षद पति संतोष झा के द्वारा आवास योजना की लाभ दिलाने की एवज में 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई की मांग की थी। उक्त बातों को अमरपुर प्रखंड के विभिन्न अखबार में संवाददाताओं ने प्रमुखता से उजागर किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता बुधवार को महम्मदपुर गांव पहुंचकर पीड़ित लाभुकों से पूछताछ किया। मौके पर वार्ड के गेनो देवी, महेश्वर पासवान आदि ग्रामीणों ने आरोप की पुष्टि करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी को सारी बातों की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पीड़ित लाभुकों के द्वारा बताई गई बातों पर एक कमेटी गठित कर मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जांच के दौरान नगर पंचायत के आवास सहायक अमृत कुमार समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। क्या नाम आपका? गेनो देवी। आपका क्या नाम से इंदिरा आवास पास हुआ? गेनो देवी। गेनो देवी के नाम से कौन आपसे पैसा लिया? संतोष झा। कौन है संतोष झा? कौन है? वार्ड कितना नंबर का? 14 नंबर का वार्ड। कितना लिया पैसा? हमसे 5,000 लिया है। कब? सुनवे में पास कराने में। क्या बोला पैसा देते समय? क्या बोला? पास करा देखियो। तो पास हो गया? पास हो गया। अकाउंट पे पैसा आया? बाहर नहीं आये लो से, पैसा नहीं आया है। आपके पति का नाम क्या है? भूदेव सर, मीरा देवी। क्या प्रॉब्लम है आपको? इंदिरा आवास में आये लोग पहले पैसा ले लीजिए। हाँ, घर तो अभी नहीं बोल रहा क्योंकि घर बनता हूँ नहीं, तो कागज पत्थर बनाए तो पैसा दो, तो दे लीजिए पैसा। कितना पैसा दिलो? 3,500। केकरा? संतोष के। संतोष से? हाँ। के संतोष? अच्छा, कितना दिलो लो पैसा? 3,500। की बोल रहे पैसा दे व्यक्ति बन लो घर की इंदिरा आवास पास हो लो आरो पैसा मांगे छो। अमरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में ई रिक्शा एवं कार की टक्कर से 8 वर्षीय 2 बच्ची जख्मी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के विधवा गांव सुनील मंडल की 8 वर्षीय पुत्री संजना कुमारी गांव में अवस्थित प्राइवेट स्कूल से पढ़कर अपने घर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ई रिक्शा चालक ने अनियंत्रित होकर बच्ची को धक्का मार दिया। ग्रामीणों ने ई रिक्शा चालक को खदेड़ कर वाहन समेत पकड़ लिया, जबकि दूसरी घटना क्षेत्र के बादशाहगंज गांव के समीप घटित हुई, जहां गांव के ही मनीष शर्मा की 8 वर्षीय पुत्री श्रेया शर्मा बुधवार की दोपहर अपने घर से भोजन खाकर गांव में अवस्थित सरकारी विद्यालय जा रही थी, तभी साकुन की ओर से आ रही कार चालक ने अनियंत्रित होकर बच्ची को धक्का मार दिया। जख्मी दोनों बच्चियों को उपचार के लिए परिजन अमरपुर के रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा जख्मी बच्ची का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए दोनों बच्चियों को भागलपुर रेफर कर दिया।